kids, welcome to our public online classes. Our today's topic is English grammar of advisor, your course book. And our today's chapter is chapter number 5 of advisor book, use of can and cannot. आज हम बात करेंगे can और cannot के बारे में कि उनका use कहाँ होता है, कैसे होता है और क्यों किया जाता है. can का use कहाँ होना चाहिए, कहाँ होता है और cannot का use कहाँ होना चाहिए और कहाँ होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि कैन का मीनिंग क्या होता है, मतलब अर्थ क्या होता है. कैन का मतलब होता है सकना, किसी कार्य को कर सकना. और कैन नॉट का मतलब होता है नहीं कर सकना. कैन का मतलब कर सकना, कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकना. तो जहाँ पर सकता है, सकते हैं, सकूँगा, ये वर्ड आते हैं वहाँ पर वी विल यूज़ कैन. और जहाँ पर नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकेंगे, नहीं हो पाएगा, वहाँ यूज़ करेंगे हम कैन नॉट. तो इसी के बारे में आज हमारा चैप्टर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स केयरफुली. आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ. तो इसमें कैन यानी सकना, रीड यानी पढ़, इंग्लिश यानी इंग्लिश. आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ. आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिख नहीं सकता. तो जहाँ पर नहीं सकना आएगा वहाँ पर कैन नॉट यूज़ होगा, और जहाँ पर कर सकूँगा आएगा वहाँ पर कैन यूज होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू कैन स्विम, तुम स्विम कर सकते हो. दे कैन नॉट स्विम, वो स्विम नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज, अब रूल देखिए इसके. रूल नंबर फर्स्ट आता है कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ द सब्जेक्ट. कैन जो है वो यूज होता है किसी भी सब्जेक्ट के पावर को यानी ताकत को, उसकी क्षमता को और उसकी योग्यता को बताने के लिए. कैन इज़ यूज टू गिवन परमिशन, कैन यूज़ हो सकता है परमिशन देने के लिए भी. जैसे कोई आपसे पूछे क्या मैं ये पेन ले सकता हूँ, तो ये योर आंसर विल बी येस यू कैन टेक इट, हाँ तुम इसे ले सकते हो. तो आपने उसे अलाउ किया, मतलब परमिशन दी है. तो यहाँ पर भी हम कैन यूज़ कर सकते हैं. कैन नॉट इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्रोहिबिटेशन फ्रॉम डूइंग समथिंग. और कैन नॉट यूज़ होता है जहाँ पर किसी कार्य को करना निषेध बताया जाता है, मतलब जो कार्य नहीं हो सकता उसके लिए कैन नॉट यूज होता है. अब फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए. कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग कैन और कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. अब कैन और कैन नॉट आपको इस टेबल में यूज करना है. जहां पर कैन है वहां कैन, जहां कैन नहीं है वहां कैन नॉट. ड्राइव अ कार, रीड संस्कृत, यूज अ कंप्यूटर, स्पीक इंग्लिश, स्पीक हिंदी, यूज मोबाइल फोन. ये एक टेबल दिया गया है जिसको आपको यूज़ करना है. ठीक है, ड्राइव अ कार अनिल कर सकता है, शरद नहीं कर सकता, अनीता कर सकती है. रीड संस्कृत अनिल नहीं कर सकता, शरद कर सकता है, अनीता कर सकती है. यूज़ अ कंप्यूटर अनिल कर सकता है, शरद कर सकता है और अनीता भी कर सकती है. तो यहाँ तीनों में कैन आया. ठीक है, तो ये इस तरीके से टेबल है, इसको सिर्फ आपको रीड आउट करना है ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि कैन और कैन नॉट कहाँ पर यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है इसका फिल इन द ब्लैंक्स, अनिल कैन स्पीक इंग्लिश. तो ये आपको यूज़ करना है. इसमें ये जो टेबल आई है जहाँ से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आपकी बुक में एक टेबल और आएगी, वो इसमें नहीं ली है मैंने, एक टेबल और आएगी जिसके अंदर अनिल, शरद, अनीता इन तीनों की हैबिटेशन दी हुई है, मतलब क्या ये कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कैन और कैन नॉट, तो पहले आपको वो टेबल रीड करना पड़ेगा ताकि आपको ये पता लग जाए कि कहाँ पर कैन यूज़ हो रहा है. इसमें अनीता और शरद क्या काम कर सकते हैं, अनिल क्या काम कर सकता है, वो तीनों कौन सा काम नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको वो टेबल रीड आउट करनी पड़ेगी जिसका पिक्चर मैं इसमें नहीं ले रही हूँ, आपकी बुक में होगा, उसमें से आप देख के इसमें फिल कर सकते हैं. आपकी जो ग्रामर की बुक है एडवाइज़र की, उसमें से आप देख के इसमें फिल कर सकते हैं. तो इसमें फर्स्ट है अनिल कैन स्पीक हिंदी, अनिल हिंदी बोल सकता है. तो ये तो हो गई इन की बात. अब सेकेंड एक्सरसाइज आती है, राइट 5 टास्क विच यू कैन डूइंग कैन एंड ऑल्सो राइट 5 सच टास्क विच यू कैन डू नॉट यूजिंग कैन नॉट. अब आपको ऐसे 5 सेंटेंस बनाने हैं और मुझे भेजने हैं. आपका होमवर्क भी मैं साथ में बता रही हूँ. आपको ऐसे 5 सेंटेंस बनाने हैं जिसमें जो काम आप कर सकते हो वहाँ पर कैन यूज़ करके आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं. फॉर एग्जांपल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रीड हिंदी, आई कैन ईट चपाती, मतलब जो भी आप काम कर सकते हो उसके लिए आपको कैन यूज़ करना है. और जो काम आप नहीं कर सकते हो उसके लिए, जैसे आई कैन नॉट यूज़ कंप्यूटर, आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, आई कैन नॉट गो अलोन समवेयर, मैं कहीं अकेला नहीं जा सकता, तो ये इसके ऊपर आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं. तो एक तरफ आप लिखेंगे सबसे पहले यूज़ ऑफ कैन के 5 सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद यूज़ ऑफ कैन नॉट के 5 सेंटेंस आपको राइट डाउन करने हैं. प्लस ये दोनों जो टेबल दी गई हैं
एक टेबल के लिए आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपको बुक में कर लेने हैं। और सेकंड एक्सरसाइज जो दी गई है, यहाँ पर सिंपल एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको एबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैन और कैन नॉट यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट देखिए, द ट्रुथ कैन मेक अस फ्री, सच हमें हर चिंता से मुक्त कर देता है, तो ये बात सही है। तो यहाँ कैन, आई एम बिजी सो आई कैन नॉट, मैं बिजी हूँ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, तो यहाँ कैन नॉट आ जाएगा। द मैजिक लैम्प कैन ग्रैंट एनी विश, मैजिक लैम्प कोई भी विश पूरी कर सकता है। वी कैन नॉट अचीव एनी थिंग विदाउट ऑर्डर और क्लीनलीनेस, हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते बिना अनुशासन और साफ सफाई के। यूज़ ऑफ टबैको कैन लीड टू कैंसर, अब ये भी बात सच है तो इसमें कैन ही आएगा, क्यों, तंबाकू का यूज़ करना कैंसर को बुलावा देना जैसा होता है, तो इसमें भी कैन आएगा। नेक्स्ट इज द स्टार्स कैन नॉट शाइन ड्यूरिंग द डे, अब ये भी बात सच है कि तारे दिन में नहीं चमक सकते, तो यहाँ पर कैन नॉट, तो जो बात एबिलिटी के ऊपर और जो बात हमें दिख रही है कि ये सच है वहाँ पर कैन आएगा, और वहाँ पर ही कैन नॉट आएगा, जिस चीज़ का हमें पता है कि ये हो सकती है वहाँ कैन आएगा, और जिस चीज़ का सच में हम, जैसे ट्रुथ कैन मेक अस फ्री, सच हमें हर चिंता से मुक्त करता है, ये सही बात है, और तारे दिन में नहीं टिमटिमा सकते, ये भी सही बात है, तो इसमें कैन नॉट यूज़ करेंगे हम। आई कैन नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर बिकॉज आई फील पेन इन माय टीथ, मैं ठंडा पानी नहीं पी सकता क्योंकि मेरे दांतों में दर्द होता है। अ फायर फ्लाई कैन ग्लो इन द डार्क, जुगनू जो है वो के अंधेरे में चमक सकता है, तो सही बात है, जुगनू रात के अंधेरे में, दिन में रोशनी में तो दिखाई नहीं देगा वो, है ना। तो ये था आज का हमारा चैप्टर कैन और कैन नॉट, इसकी आपको टेबल राइट करनी है, पहले कैन और कैन नॉट के दोनों रूल राइट डाउन करने हैं नोटबुक में, प्लस आपको 5 सेंटेंस कैन के ऐसे बनाने हैं जो आप कर सकते हो, विच यू कैन डू ईजिली, और 5 सेंटेंसेज ऐसे बनाने हैं विच यू कैन नॉट डू, जो आप नहीं कर सकते हो। तो ये हो गए आपके 10 सेंटेंसेज कौन से चैप्टर के, चैप्टर नंबर 5 के, यूज़ ऑफ कैन एंड कैन नॉट, इन दोनों के आपको बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कैन और कैन नॉट, ये देखिए दोनों रूल दिए हुए हैं यहाँ पर, एक तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 आपको कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट करनी है, प्लस ये जो एक्सरसाइज है इसको आपको बुक में ही करना है, नोटबुक में राइट डाउन नहीं करना है। और ये जो रूल है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, ये दोनों रूल आपको राइट डाउन करने हैं नोटबुक में, कि कैन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं और कैन नॉट का यूज़ कहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और कहाँ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन हैव अ गुड डे, कंप्लीट योर होमवर्क एंड रिसेंड टू मी, आई विल चेक एंड रिसेंड यू, ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय।